जिले के मंडप डेकोरेशन व कैटरर संगठन संयुक्त एक दिवसीय लाक्षणिक धरना आंदोलन करने में लॉकडाउन के चलते 8 महीने से यह व्यवसाय पूर्णतः बंद था। राज्य सरकार के आंखें खोलने का प्रयास कर रहे हैं, मगर राज्य सरकार हमारे व्यवसाय पर पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है। हमारे व्यवसाय रोजगार निर्माण कर देने वाले हैं और व्यवसाय के सह कारागिरों के नागरिकों का संसार भी चलता है। मात्र कारागिर भी भुखमरी से गुजर रहे हैं। 50 से 100 दिन चलने वाले यह व्यवसाय आज भी बंद है, मगर जो व्यवसाय 365 दिन चलता है और उसके चलते गर्दी या जमाव होता है, ऐसे व्यवसाय को बढ़ावा दिया जा रहा है। अक्टूबर महीने तक हमारा व्यवसाय शुरू करे ऐसी मांग की गई थी, मगर आज भी व्यवसाय पूरा बंद है। मंडप व्यावसायिक लाखों रुपयों के कर्जदार है और इस लॉकडाउन के चलते एक भी हफ्ता या ब्याज नहीं भर पाए, कारागिर लाइट बिल नहीं दे सकते, ऐसी अवस्था निर्माण हो चुकी है। उसी वजह से व्यवसायी को पर आत्मत्याग करने की भी नौबत आई है। मुख्यमंत्री ने इस व्यवसाय का सखोल अभ्यास करना जरूरी है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने हमारे व्यवसाय को गंभीरता से लिया ही नहीं। उसी वजह से मुख्यमंत्री ने इस व्यवसाय धारकों की ओर ध्यान देकर उनके व्यवसाय को शुरू करने की अनुमति दे और हम सब सरकार के नियमावली के अनुसार ही हमारा व्यवसाय शुरू रखेंगे। व्यावसायिकों को प्रतिमाह 10,000 रुपए की मदद एवं कारागिरों को दरमाह 5,000 रुपए की मदद सरकार ने जाहिर करे, ऐसी मांग भी इस आंदोलन के दौरान की गई। वैसे ही 500 लोगों की अनुमति विवाह समारंभ के लिए दी गई है, तो शाम के समय लॉन डीजे ऑर्केस्ट्रा साउंड घोड़ा वाले बग्गी वाले सुगम संगीत को रात 10 बजे तक का परवाना दे। अगर व्यवसाय शुरू करने की अनुमति नहीं मिली तो व्यावसायिक खुद आत्मनिर्भर होकर कल से व्यवसाय शुरू करेंगे, ऐसा निर्णय उन्होंने लिया। इसके चलते जो भी परिणाम होगा उसका जिम्मेवार खुद शासन होगा, ऐसा इशारा भी व्यावसायिकों ने दिया है। मंडप डेकोरेशन सभी लोगों का केटरिंग, हम उसका सब यही कहना है कि आपने जब बसेस चालू कर दी, ट्रेन शुरू कर दी, वहाँ पे भीड़ के कोई कंट्रोल नहीं है, तो प्लीज हमारे तरफ ध्यान दीजिए। सिर्फ यही नहीं, लोग हमारे यहाँ पे ना करते हुए अपने घर पे कर रहे हैं, क्या वहाँ से नहीं फैल रहा? हमारे यहाँ पे रहने के बाद में हम लोग सब सैनिटाइजर्स का ध्यान रखते हैं, हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि एक पार्टी से किसी दूसरी पार्टी को कोई तकलीफ ना हो, आपस में सोशल डिस्टेंसिंग रहे, सबको बार बार हम लोग जताते हैं। वही पार्टीज जो घर पे कार्यक्रम कर रही है उनका क्या, उनकी वजह से फैल रहा है, वो ना हो करके आप हमारे तरफ का हमको परमिशन दीजिए ताकि हम लोग आगे कार्यक्रम कर सके। हम लोग के भी लोन्स है, हमको उनको भी चुकाना है। 6 महीने का जो मॉनिटोरियम का पीरियड था वो भी खत्म हो चुका है, हमें आज सब कुछ रेगुलर इस पे आ चुका है, तो कृपया हमसे प्रशासन से हमारी यही दरखास्त है, कृपया आकर के हमारे तरफ ध्यान दे और हमारा कुछ मांगे सब पूरी तो करिए ताकि कंट्रोल में आए, हम लोग पूरे ध्यान रखने के लिए तैयार है। प्लीज़ 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 हमारा ध्यान रखिए और हमारी मांगे करिए। ज्ञापन दिया था कम से कम अभी तक के तो 10 बार उनको ज्ञापन दिया हुआ है। हमारी मांगे थी कि 500 लोगों का परमिशन हम सब लोगों को मिलना चाहिए, उसके वजह से सभी लोग परेशान हैं, फोटोग्राफर परेशान है, कैटरिंग वाले परेशान है, साउंड वाले परेशान हैं, क्योंकि एक अगर शादी होती है तो कम से कम 200-400 लोगों को काम मिलता है वहाँ पर, घोड़ा वाला, बग्गी वाला, बलून डेकोरेशन वाले, इन सभी को काम मिलता है, कैटरिंग वाले को काम मिलता है, उसके वजह से किराने वाले को काम मिलता है, सभी लोगों को काम। ये सब हमने 10 बार भी कलेक्टर साहब को देने के बाद भी हमारे व्यवसाय अभी तक के शुरू नहीं हुए, तो हमारी यही मांग है कि कम से कम अभी तो भी हम लोगों को 500 लोगों की परमिशन देना चाहिए। हम कोरोना का ये सब चीज़ों का ध्यान रखने को अभी भी तैयार है। आमच्या व्यवसायामधला जो लेबर वर्ग आणि कारागीर वर्ग आहे, आमचा हा व्यवसाय तसाही कारागिराच्या आणि लेबरच्या भरोशावर आहे, यांचा हा परिवारासहित यांची जोपासना करणं आमचं काम आहे। एकीकडे उद्योग बंद आहे आणि या लोकांना जोपासणं चालू आहे, त्यांचं घर चालवणं सुरू आहे, हे करत असताना आता मात्र त्यांच्यावर आणि त्यांच्यासकट आमच्यावर सुद्धा उपासमारीची आणि आत्महत्येची वेळ आलेली आहे। आता आम्ही स्वतःच्या परिवाराला जगू शकत नाही, आता यक्ष प्रश्न असा उभा आहे की आम्ही आमच्या ह्या कामगारांचा परिवार कसा जगवावा आणि आमचा परिवार कसा जगवावा, म्हणजे आता आमच्यासमोर एकच मार्ग शिल्लक आहे, एकतर आत्महत्या करा नाही तर शासनाचा कुठल्याही नियमाचा किंवा शासनाच्या आदेशाची पायमल्ली करा आणि आपला व्यवसाय सुरू करा, या तो लढो या तो मरो, ही अवस्था आज आमच्यावर आलेली आहे। आणि म्हणून आज आमचं हे एक दिवसीय लाक्षणिक धरणे आंदोलन इथे राज्यव्यापी धरणे आंदोलन आहे आणि उद्यापासनं आम्ही स्वयंभू होऊन आत्मनिर्भर होऊन
आमचा व्यवसाय सुरू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि म्हणून आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांना आमची विनंती आहे, या व्यवसायाच्या गांभीरतेबाबत मुख्यमंत्री साहेबांपर्यंत इथल्या शासकीय यंत्रणेने अजूनपर्यंत विस्तृत अशी माहिती दिलेली नाही, हा आज आमचा आक्षेप आहे। आणि म्हणून मुख्यमंत्री साहेब सक्षम असताना सुद्धा दुसरीकडे सर्वे व्यवसाय त्यांनी सुरू केलेले आहे आणि याच व्यवसायाकडे त्यांचं दुर्लक्ष का, ही शंका मात्र आता निर्माण झालेली आहे। आणि म्हणून आज इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला सुद्धा आमची अशी विनंती आहे की या व्यवसायाची गंभीरता मुख्यमंत्री साहेबांपर्यंत आजच्या या आपल्या मीडियाच्या माध्यमातून पोहोचावी। मुख्यमंत्री साहेबांनी नक्कीच त्याच्यावरती विचार करतील, ही गंभीरता लक्षात घेतील, कारण आमचा हा व्यवसाय रोजगारीवर कारागिरांच्या भरोशावर अवलंबून आहे आणि रोजगार उपलब्ध करून देणे, सर्वसामान्यांच्या हाताला काम मिळवून देणे हे मुख्यमंत्री साहेबांचं प्रथम त्यांच्या कार्यातलं कर्तृत्व आहे। आणि म्हणून मुख्यमंत्री साहेबांना या माध्यमातून आमची आग्रहाची विनंती आहे की त्यांनी या व्यवसायाला या 2-3 दिवसांमध्ये सुरू करून द्यावं, 100% आमचा व्यवसाय सुरू करून द्यावा। संध्याकाळचा कार्यक्रम असो, दिवसाचा कार्यक्रम असो, या आमच्या संपूर्ण कार्याला त्यांनी खुलं करून द्यावं। नैसर्गिक आपत्ती आलेली आहे, आम्ही त्याचं पालन करत आहोत, करणार आहोत। आमच्याकडे जागा आहे, मोठाले हॉल आहे, मोठाले लॉन आहे, मंडप डेकोरेशनचं काम करत असताना मोठी लई जागा असते, त्याच्यामुळं सोशल डिस्टन्सिंग हा नियम पाळणे आमच्यासाठी अतिशय सोपी आहे। मोठ्याल्या शोरूममध्ये ते पाळलं जात नाही आणि आमच्याकडे एवढा मोठा स्पेस आहे की आम्ही त्याचं पालन करू शकतो, या नियमाचं पालन करून आम्ही व्यवसाय करू शकतो। आणि तरीसुद्धा आमचे व्यवसाय मात्र अजून सुरू झाले नाही, सीझनेबल व्यवसाय आहे, 365 दिवस चालणारे आमचे व्यवसाय नाही आहे, वर्षभरातून मोठ्या मुश्किलनं 100 दिवस व्यवसाय चालणार आहे, महिन्याच्या काठीला 2-4-8 दिवसाचा हा आमचा व्यवसाय आहे। म्हणजे आमच्या व्यवसायातून प्रादुर्भाव होऊ शकत नाही आणि म्हणून माझं म्हणणं असं आहे का मुख्यमंत्री साहेबाला या व्यवसायाविषयी गंभीर अभ्यास झालेला नाही, तो त्यांनी गंभीर अभ्यास करावा आणि या व्यवसायाला त्वरित त्यांनी सुरू करून द्यावं, ही नम्र विनंती। NBC न्यूज के लिए वर्धा से प्रणय ढोले की रिपोर्ट।